गुड आफ्टरनून सर। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीलू तुमने तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। 5 5 7। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्जाम में और भी अच्छा करना। नेक्स्ट एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट आएगा ही, बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये तो आएगा ही। और हो सकता है कि हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है वो भी थोड़ा कुछ पढ़ पाए तब तक, तो 2 चैप्टर मान के चलो कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है ना? यस सर। सर एक्टिनोमाइसिटीज का प्रॉपर्टीज बताइए ना। बताया था बच्चे लास्ट लेक्चर में, एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो मोनेरा और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, फिलामेंटस टाइप के होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है उसका, उसके अलावा उनके अंदर कोनिडिया वगैरह जो है उनका फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। साथ में ये मोस्टली जो है वो सेप्रोफाइटिक वाली कैटेगरी के होते हैं और इनके अंदर कुछ सिम्बायटिक होते हैं, फ्रेंकिया जो है वो सिम्बायटिक होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो भी इसी के अंदर आते हैं। 2 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिस और फ्रेंकिया, ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और फ्रेंकिया जो है वो सिम्बायटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कैजरीना अल्नास मैरिका इम्प्लांट्स के अंदर, और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेलो सर, ट्रांसडक्शन को एक बार और बताइए तो सर। ट्रांसडक्शन में तुम इतना ध्यान रखना कि एक डोनर बैक्टीरिया से दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया तक डीएनए का ट्रांसफर होगा बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, है ना, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, उसको हम ट्रांसडक्शन बोलेंगे। अब ट्रांसडक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है, और एक होता है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन होता है, तो अलग अलग टाइप भी होते हैं, बट उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं। सिंपल ध्यान रखना कि बैक्टीरियोफेज के थ्रू बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे ट्रांसडक्शन बोलेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, क्या बताऊं, प्रियंका पूछ रही है कुछ, क्या पूछ रहे हो प्रियंका? सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना अप्रैल तक? बिल्कुल हो जाएगा, यदि किसी बच्चे को ऐसा है कि सर सिलेबस ही कंप्लीट कर दो तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा करके तुरंत सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, बट अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो दो चीज होती है, एक तो होता है कि ना कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, टीचर जो हर एक टॉपिक का नाम लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है कि ना कि तुम कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, सही से पढ़ रहे हो। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम लेते हैं, कुछ जो है वो टाइम नहीं लेते, तो अब वो यदि मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि किस टॉपिक को टाइम ज्यादा देना है, किसको कम देना है। अब तुम खुद देखो कि कल एक लेक्चर में हमने साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा पढ़ डाला, ठीक है, बैक्टीरिया को अकेले पढ़ने में 3 लेक्चर लगे, तो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है उन्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं उन्हें हमें शॉर्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से पढ़ेंगे तो ही बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो मॉर्फोलॉजी जैसा चैप्टर है, तो मॉर्फोलॉजी जैसा चैप्टर है तो क्या होगा, उस चैप्टर में ज्यादातर पोर्शन ऐसा है जो बच्चे को खुद सही से करना होता है, मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह रटने हैं, ये सब है, तो वहां पे हम अननेसेसरली किसी टॉपिक पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लो सेल वाला चैप्टर है वो बहुत ईजी है, एक एक बार में समझ में आता है, तो उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो जिन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लगना है, जो अब जैसे जेनेटिक्स वाला चैप्टर है तो जेनेटिक्स डिटेल में पूछा जाता है,
अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो जेनेटिक्स को टाइम देना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग जो है ना वो मेरे पास में है, वो मुझे पता है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, ठीक है ना। यदि तुम लोग चाहोगे कि सर सारे टॉपिक को इक्वल टाइम देके और ना शॉर्ट शॉर्ट में निकाल दो, तो उसमें तुमको नुकसान हो जाएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जो 10 लेक्चर लेता है तो लेता है, प्लांट किंगडम 5-6 लेक्चर लेता है तो लेता है। अब तुम सोचो इन दोनों को मिक्स कर दो, दोनों के 6-6 लेक्चर कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा जो है कुछ पोर्शन है वो वीक रह जाएगा। इसीलिए टेंशन मत लो, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम में वहां पर बचाऊंगा जहां पर टॉपिक का वेटेज कम होगा, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, जल्दी पढ़ेंगे, माइक्रोब्स हुआ और स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट चैप्टर हुए, इन सबसे क्वेश्चन कम आते हैं, छोटी का टाइप के चैप्टर, तो वहां मैं टाइम बचाऊंगा, ठीक है ना। और जो टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां मैं ज्यादा टाइम दूंगा, तो इस तरीके से मैनेज किया जाएगा, बच्चे हर टॉपिक को इक्वल टाइम नहीं दिया जाएगा, ये टाइम, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा कंप्लीट कर लिया था, आज मैं प्रोटिस्टा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। अभी तक मोनेरा किंगडम जो है वो किसका था, प्रोकैरियोट का था, और अब प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो यूकैरियोट का है, तो इसके अंदर कॉमन फीचर कौन से होंगे, यूकैरियोट वाले होंगे। क्या तो बच्चा मुझे बता सकता है कि किंगडम प्रोटिस्टा को किसने एस्टैब्लिश किया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को एस्टैब्लिश किया बनाया? एरेनबर्ग, एरेनबर्ग नहीं, हेकल, हेकल सर, हेकल। ये प्रोटिस्टा किंगडम जो सबसे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया था, तो हेकल, यस बिल्कुल सर, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर आते हैं, यदि मैं तुम्हें पूछूं अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सर, यूनिसेलुलर एकैरियोटिक, जो बच्चे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट बोल रहे हैं, उनका जवाब जो है सरासर गलत है। सर बुक्स में तो नहीं है ना, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, क्वेश्चन पूछा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, सर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड ऑल यूकैरियोट्स आएंगे। तो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। ओके सर, किंगडम वाला प्रोटिस्टा चल रहा है, तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है यदि हम 5 किंगडम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो फिर आप बोलेंगे रिसेंट जो क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इस जगत में सभी एक कोश की यूकैरियोटिक जीव को रखा जाता है किसके अकॉर्डिंग, हरिच विटेकर के अकॉर्डिंग या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यदि कोई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो मिस्टेक मत करना, ठीक है। देन इसके अंदर यदि हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, जनरल फीचर्स, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक, मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, क्या सारे पानी में रहते हैं, क्या सारे पानी में रहते हैं, क्या बोलो, मिनिमम अमाउंट में पानी में रहते हैं, एक एक सेकंड वेट करो बच्चों, एक सेकंड,
हेलो हेलो हाँ एक इम्पोर्टेंट कॉल था तो मोस्टली इक्विटी होते लेकिन क्या सारे के सारे इक्विटी होंगे क्या सारे के सारे इक्विटी नहीं होंगे ठीक है ना जल्दी होते हैं कुछ कैसा होते हैं सम आर पैरासाइटिक कुछ जो है वो सिम्बायोटिक भी होंगे कुछ जो है वो सेप्रोबायोटिक या टेरेस्ट्रियल भी होंगे सम आर टेरेस्ट्रियल तो हैबिटेट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है यूकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सेल वॉल सब में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा बोलो सब में नहीं होगा कुछ में एनिमल में हाले में नहीं होगा एनिमल में नहीं होगा तो यदि प्रेजेंट है तो किसका बना होगा सेल वॉल इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो सेल्यूलोज का बना हुआ होगा ठीक है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल वॉल इज प्रेजेंट की एब्सेंट प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नाम बताओ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कोशिका झिल्ली परिबद्ध कोशिका झिल्ली परिबद्ध कोशिका में बताओ कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बल्जी बॉडी लाइसोसोम ठीक है होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होंगे क्लियर होगी बात मोस्टली के बाद क्या लिखा है किसके बाद मोस्टली के बाद मोस्टली एक्वेटिक मोस्टली एक्वेटिक इसका लाइन को इक्वल बताइए तुम सम आर करके क्या लिखे हैं सम आर पैरासाइटिक सम आर टेरेस्ट्रियल ज्यादातर जलीय होते हैं कुछ जो है वो परजीवी हो सकते हैं कुछ जो है वो स्थलीय हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय कोशिका भित्ति यदि उपस्थित है तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका परिबद्ध कोशिका झिल्ली परिबद्ध कोशिका अंग उपस्थित होते हैं केंद्रक उपस्थित के अनुपस्थित उपस्थित उपस्थित खास बात जानते हो क्या Yes, sir. Yeah. Nucleus present, but histone protein absent. पर ऐसा nucleus जिसमें histone protein absent होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Mesokaryotic. ये बहुत ही important point है ध्यान रखना. कि mesokaryote क्या होते हैं? Mesokaryote ऐसे जीव हैं जिनके अंदर nucleus present है, but nucleus के अंदर histone जो है वो absent होता है. तो यहाँ पर डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो मेसोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं समझ गए क्या सब बच्चे यस सर यूकैरियोटिक में भी वैसे तो यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटीन्स लेकिन यहाँ पर डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो मेसोकैरियोटिक है क्यों मेसोकैरियोटिक है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है यदि हिस्टोन एब्सेंट है तो क्या होगा क्या होगा यदि हिस्टोन नहीं है इनके पास तो क्या बाइंडिंग नहीं हो पाएगा सर क्रोमोसोम का प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो पाता है सेल डिवीजन के टाइम पे और ऐसा माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम का प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो रहा है उसे हम यहाँ पर डायनोमाइटोसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं डायनोमाइटोसिस यानी माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो क्रोमोसोम जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा ठीक है देन
इट मे हैव सीरिया और फ्लैजिला और लोकोमोशन। गति करने के इनके पास सीरिया और फ्लैजिला हो सकते हैं। और ये सीरिया फ्लैजिला कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सीरिया फ्लैजिला के अंदर कौन सी अरेंजमेंट होती है? 9+2 अरेंजमेंट। प्लस न्यूट्रिशन इसके अंदर कैसा होता है? अगेन अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वेरी हाई डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा न्यूट्रिशन हो सकता है? न्यूट्रिशन मे बी स्वपोषी, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेसिस। वो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो अपने भोजन को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। होलोजोइक सॉलिड एनिमल लाइफ। होलोजोइक को हिंदी में जंतु संपोषण बोलते हैं, होलोफाइटिक को पादप संपोषण बोलते हैं, और फेगोट्रोफिक। तो अलग अलग प्रकार के पोषण हो सकते हैं। कुछ जो है वो जंतुओं के समान, कुछ पादपों के समान, कुछ जो होते हैं वो कवकों के समान पोषण भी प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। गमन भी हो गया, प्रकाश संश्लेषण भी होता है क्या? होलोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। होलोफाइटिक मतलब फोटोसिंथेटिक वाला प्रोसेस। होलोफाइटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक रिप्रोडक्शन। होलोफाइटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स। हाँ बच्चे, होलोफाइट, फाइट क्या होते हैं? प्लांट होते हैं ना। यस सर, ओके थैंक यू। होलोजोइक नहीं होना, होलोफाइटिक। होलोजोइक का मतलब एनिमल के जैसे, जो पहले खाना खाएंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन मे बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, दोनों भी रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो जनरल फीचर्स है, ये तो प्रोटिस्टा के जनरल फीचर। राइबोसोम कौन सा होगा बताओ? तो और 70S माइटोकॉन्ड्रिया में। यस वेरी गुड, 80S साइटोप्लाज्म में और 70S जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। सर राइबोसोम एक बार और बताइए ना। राइबोसोम्स, फेगोसोम क्या बोल रहे हो? सर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? बोल रहे 80 और 70S राइबोसोम। 80S 70S राइबोसोम बच्चे, 80S जो है वो यूकैरियोटिक का फीचर है, 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S होता है। यूकैरियोट के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में तो 80S होगा और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है उनके अंदर 70S राइबोसोम होगा। ठीक है ना? ओके सर। अब देखो जो प्रोटिस्टा है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोटिस्टा है उसे हिंदी हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तीन मेन टाइप के हैं, प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक। प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फंजाई लाइक, फंजाई लाइक डीकंपोजर वाली कैटेगरी में, एंड
मतलब क्या बोलते हैं प्रोटोजोन प्रोटोजोन क्या है वो प्लांट एनिमल और फंजाई तीन टाइप के होते हैं तभी याद होगा जब मैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने तुमको क्या बताया था देखो मोनेरा मोनेरा से बना प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है आगे इवॉल्व हुए फंजाई प्लांट और एनिमल याद है यस यस सर इसका मतलब प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल टाइप के थे उनसे एनिमल आगे डेवलप हो गए कुछ प्लांट टाइप के थे जिनसे प्लांट्स डेवलप हो गए कुछ फंजाई टाइप के थे जिनसे फंजाई डेवलप हो गए यानी यहां पर प्रोटिस्टा में तुम्हें तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं कौन-कौन से एनिमल लाइक प्लांट लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गई बात इतनी अब कौन-कौन से हैं प्लांट लाइक जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं वो तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एग्जांपल आता है जैसे क्राइसोफाइट क्राइसोफाइटा नाम सुना है क्या क्राइसोफाइटा जो है डिवीजन है डिवीजन जानते हो क्लासिफिकेशन में डिवीजन कहां पे आ रहा था बोलो किंगडम के नीचे यस डिवीजन में कौन सा सर्विस फाइटा डिवीजन में कौन सा सर्विस लगता है फाइटा और ये क्राइसोफाइटा के मेंबर्स कौन है जो तुम पढ़ते हो या तुम डिवीजन में पढ़ोगे डायटम्स एंड डेसिमिड्स डायटम्स और डेसिमिड्स जो है मिलते जुलते से ऑर्गेनिज्म दोनों का डिवीजन जो है वो सेम है कौन सा है क्राइसोफाइटा है ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर वो है पायरोफाइटा और पायरोफाइटा के जो मेंबर तुम यहां पर पढ़ोगे वो कौन से हैं वो है डायनोफ्लैजेलेट और थर्ड डिवीजन जो इसके अंदर आएगा वो है यूक्लिनोफाइटा यूक्लिनोफाइटा के जो मेंबर्स तुम पढ़ोगे उन्हें हम बोलते हैं यूक्लिनोइड्स यूक्लिनोइड्स तो ये सारे के सारे क्या है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्राइसोफाइटा पायरोफाइटा और यूक्लिनोइड्स यदि तुम जनरल लैंग्वेज में बात करते हो तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा नाम डायटम्स डायनोफ्लैजेलेट और यूक्लिनोइड्स के बारे में पढ़ने वाले ये होगी बात फंजाई जो है उसमें हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ये कौन से होते हैं जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स जो है बच्चों ये भी दो टाइप के होते हैं कौन कौन से एक होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर ठीक है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो हम जिम्नोमाइकोटा भी बोल देते हैं और सेलुलर जो इसको एक्रेसियो माइकोटा जो वो बोल देते हैं ठीक है जनरल नाम है रखो उसी से हेलो सर जी ये सर जो थर्ड में लिखे हैं जो पायरोफाइटा के नीचे जो थर्ड में लिखे हैं वो क्या है ये डायनोफ्लैजेलेट्स नो सर नो थर्ड वाला यूक्लिनोफाइटा कैसा यूक्लिनो यूक्लिनो नाम नहीं सुना है यूक्लिनो सोनी हूं सर यूक्लिनोफाइटा यूक्लिनो जो है उसका डिवीजन जो है वो क्या है यूक्लिनोफाइटा सर उसके नीचे में और यूक्लिनोइड्स जितने भी यूक्लिनो है वो उनका कमांड नेम क्या बोलते हैं यूक्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड जो है वो दो प्रकार का अकोशिकीय और कोशिकीय एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हिंदी में बोलते हैं अवपंक कवक नाम है इसका और एनिमल लाइक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एनिमल लाइक होते हैं राइजोपोडा राइजोपोडा या राइजोपोडा का दूसरा नाम क्या है सार्कोडीना राइजोपोडा या सार्कोडीना में कौन आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा लिखते हैं ठीक है देन राइजोपोडा के बाद में इसके अंदर आ जाएंगे सीलिया का ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है एग्जांपल बताओ सीलिया वाला बताओ कोई बोलो पैरामीशियम नंबर यस देन एक होता है जूफ्लैजेलेटर सर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है मोमेंट के लिए जूफ्लैजेलेटर कौन आता है इसके अंदर आ जाएगा
the Panosoma, the Panosoma, और फोर्थ जो है वो है स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ में कौन आते हैं बता सकते हो क्या? प्लाज्मोडियम. वेरी गुड, प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं, हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा. सर फंजाई एक बार और बताइए ना. फंजाई लाइक, फंजाई नहीं, फंजाई के जैसे हैं. जैसे फंगाई सेप्रोफाइटिक टाइप के होते हैं और स्पोर्स वगैरह बनाते हैं, उस टाइप के जीव स्पोर वगैरह बनाएंगे. कवकों की जैसे प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो तो हम डिटेल में एक करके देखेंगे. अभी सबसे पहले हम एजेंडा पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट का. ठीक है सर, ये बोल रहा था मैं स्लाइम मोड. स्लाइम मोड्स को दो भागों में बांटे हैं ना सर? हाँ, दो प्रकार के होते हैं, एक अकोशिकीय एसेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा कोशिकीय सेलुलर स्लाइम. क्या क्या ये एक कोशिकीय होगा, ये बहुकोशिकीय होगा क्या? ये एक कोशिकीय होगा, ये बहुकोशिकीय होगा क्या? यस सर. नो, नो सर, नो सर, यूनिसेलुलर है ये तो, यूकेरियोटिक वाला. लेकिन जीव तो एक कोशिकीय होंगे तभी प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ रहे. ठीक है, प्रोटिस्टा में आधा यूकेरियोटिक आधा प्रोकेरियोटिक भी पा सकते हैं ना सर? प्रोकेरियोटिक कौन है सर? कोई प्रोकेरियोटिक नहीं, प्रोकेरियोटिक होता तो उसे हम मोनेरा में ही पढ़ते होते, क्योंकि मोनेरा की सबसे पहले लाइन ही क्या लिखे. सॉरी सर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है भाई. ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में कोई भी बहुकोशिकीय जीव नहीं है, सारे के सारे एक कोशिकीय जीव ही है. चाहे वो जंतु जैसे हो, चाहे वो पादप जैसे हो, चाहे वो कवक जैसे हो, कोई भी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है. तो उसे हमने कहां पर रखा हुआ है? उसे हमने किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा हुआ है. समझे? अब देखो डिटेल में, सबसे पहले डायग्राम्स के डायटम्स जो है इसका डिवीजन अभी मैंने बताया कौन सा था. डिवीजन क्राइसोफाइटा. डिवीजन में लगता है स्पाइटा. क्राइसोफाइटा सबसे लगता है फाइसी. क्लास में कौन सा सबसे लगता है? फाइसी. तो क्राइसोफाइटा में आते हैं क्राइसोफाइसी या फिर बेसिलेरियोफाइसी. बेसिलेरियोफाइसी प्रत्यय लगता है, डिवीजन में फाइटा लगता है और क्लास में फाइसी लगता है. क्या तुम्हें दिख रहा है? यस सर. एटम जो है इनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं ज्वेल ऑफ सी, समुद्री आभूषण. समुद्री आभूषण बोलते हैं, ज्वेल ऑफ सी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनका कलर कैसा होता है? गोल्डन ब्राउन. गोल्डन ब्राउन क्योंकि पिगमेंट ऐसे होते हैं कि इनका कलर जो होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है, इसीलिए हम इसे ज्वेल ऑफ सी भी बोल देते हैं. समुद्र का गहना या आभूषण भी बोल देते हैं. ठीक है बच्चों, अब डायटम्स कहां पर मिलते हैं? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट आवास. मैराइन. एक्वेटिक. एक्वेटिक में भी कौन सा? मैराइन. यस, मोस्टली मैराइन. समुद्री जल में पाए जाते हैं. समुद्री जल में किस रूप में पाए जाते हैं? सतह पर तैरते रहते हैं. क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंकटन. क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंकटन. और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जलीय पारितंत्र में जो मेजर प्रोड्यूसर होता है, एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर होता है, वो कौन होते हैं? डायटम्स. डायटम्स यस, इट इज द मेजर प्रोड्यूसर और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक
इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो मेन प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है? वो डायटम्स होते हैं। मेन प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, यानी इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो डायटम्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं मुख्य रूप से, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं चीफ प्रोड्यूसर या मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी के अंदर मुख्य उत्पादक की भूमिका निभाते हैं कौन? डायटम्स। अब डायटम्स के नाम से तुम्हें पता पड़ रहा है कैसा जीव होगा, डाई और एटम, डाई और टम, टॉमी वर्ड, इसका मतलब क्या होता है बता दो? डाई और टम, टॉमी वर्ड का मतलब बता दो, उससे पता लग जाएगा। टॉमी TOMY सुना है क्या? टॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं सुना है क्या? ये तो डॉग को बोलते हैं टॉमी सर। हाँ डॉग का नेम होता है, निक नेम। टॉमी का मतलब होता है कट कर। एटम नाम क्यों दिया गया होता है? तो केमिस्ट्री में तो एटम नाम पढ़ते हो सर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। टॉमी का मतलब होता है कट कर सर, वो अनुप्रस्थ कट करके ऐसे कुछ, मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे इसमें रहता नहीं कि अनुप्रस्थ खांच ऐसे कुछ नहीं। वर्ड का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो, और टॉमी का मतलब होता है कट करना। यदि इसे हम दो इक्वल पार्ट में कट कर पा रहे हैं, यही दो इक्वल अंश का बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है डाई एटम्स। दो भागों में कट कर सकते हैं। कैसा होता है देखो, डायटम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दो भाग होते हैं इसके, अपर हाफ में मान लो और ऐसे ही एक लोअर हाफ होता है जो एक दूसरे में फिट होता है कुछ इस तरीके से। सेल वॉल इज, और डायटम्स आर मेड अप ऑफ टू हाफ्स। ऊपर वाला हाफ पार्ट जो है इसे बोलते हैं एपिथीलियम, नीचे वाला जो हाफ होता है उसे बोलते हैं हाइपोथीलियम, एपिथीलियम और हाइपोथीलियम। अब ये जो इसका सेल वॉल है कैसा अपीयरेंस बना रहा है? सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस बना रहा है, जैसे साबुन की डिब्बी होती है उस तरीके का अपीयरेंस बना रहा है। साबुन की डिब्बी देखा सब लोगों ने? देखे ना सबने, टिल्लू देखा ना तुमने? सर साबुन क्या होता है? यस सर, पानी नहीं देखा नहाने के लिए साबुन की बात करें, ठीक है? तो ऐसे दो हाफ होता है और साबुन रखा तुमने और ऊपर से उसकी डिब्बी बंद कर दी, तो दो हाफ जो एक दूसरे के ऊपर फिट बैठती है, उस टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर किसका? डायटम्स का। और ये एपिथीलियम हाइपोथीलियम जो है वो क्या है? इसकी सेल वॉल है। कोशिका भित्ति जो है उसे हम प्रोस्टियोल भी बोलते हैं। प्रोस्टियोल किसका बना हुआ है? दो हाफ पार्ट का बना हुआ है। कौन कौन सा? एपिथीलियम एंड हाइपोथीलियम, दो हाफ पार्ट का बना होता है। और ये किसका बना होता है? अभी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल किसका बना होगा? मेड अप ऑफ बोलो सेलुलोज का तो होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपोजिशन होता है किसका? सिलिका का। यानी ये सेलुलर जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा यहां पर होगा सिलिका जमा होगा। सिलिका किस तरह की चीज? बहुत हार्ड सब्सटेंस, रेत जैसा, पत्थर जैसी चीज। तो यदि उसका बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लगे तो ये बहुत हार्ड बन जाएगा। तो अंदर सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से क्या हो जाता है? ये बहुत हार्ड हो जाता है। बहुत हार्ड होने की वजह से क्या होगा? ये इनडेस्ट्रक्टिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेल वॉल इज इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी इसकी कोशिका भित्ति सिलिका डिपोजिशन की वजह से इतना मजबूत हो जाता है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब ये डायटम यदि मर भी गया तो भी इसकी कवरिंग जो है वो एज इट इज पड़ी रहेगी, और ये कवरिंग धीरे धीरे क्या होगा? मरने के बाद समुद्र के तले में बैठता जाएगा, जमा होता जाएगा, और जमा होकर के क्या बना देगा? जमा होकर बना देगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम डायटोमेशियस अर्थ।
समझ गए? तो ये इनडिस्क्रिप्टिबल सेल वाले ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स किसेल घर और इसे हम डायटोमी अर्थ या डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं इन बॉटम फ्लोर ऑफ द सी। समुद्र के तले में ये जो ना नष्ट होने वाली कोशिका पत्ती है ये जमा होती जाती है और क्या बना देती है, एक ऐसी चट्टान बना देती है मजबूत सी जिसे हम बोल देते हैं फिसलघर। और इसका बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये काम आता है साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, थर्मल इंसुलेटर बनाने के लिए, मेटल की पॉलिश करने के लिए, ऑयल को फिल्टर करने के लिए और इवन जो डायनामाइट है वो बनाने के लिए, हम सब में ये काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। निस्पंदन दिया है उसका क्या है? क्या बच्चे? तेलों तथा सिरप के निस्पंदन में उपयोग होता है। फिल्ट्रेशन, जो ऑयल या सिरप है उसको निस्पंदन का मतलब छानना, तो उनको छानने में काम आता है। ठीक है, इसके अंदर माइन्यूट पोर जैसे बनते हैं जिससे हम चीजों को छान सकते हैं, सिरप या ऑयल वगैरह जो है उनको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन में काम आता है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा इसका सेल वॉल। क्या सेल वॉल के रिलेटेड पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सर ये लास्ट में हम बताइए ना, एक बार लिखे नहीं है, लास्ट वाला एक बार और बताइए ना सर हिंदी। वापस से देखो, सबसे पहले कोशिका भित्ति जो है उसे फ्रस्टियल बोलते हैं, दो हाफ में बटा होता है एपिथीका हाइपोथीका और क्या बना रहा है साबुन की डिब्बी सोप बॉक्स लाइक हरी बनावा किसका होता है, बनावा होता है सेलुलोज का, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में सिलिका का डिपोजिशन है जिसकी वजह से वो इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। और जब ये मर के समुद्र के तले में बैठते हैं, बॉटम पे बैठते हैं, तो जमा होते होते क्या करता है, डायटोमिशियस अर्थ या किसेलघर का निर्माण कर देता है। और ये किसेलघर जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काम आता है, जैसे जैसे ध्वनि प्रतिरोधी कपड़े बनाने में, जैसे जैसे जो सिरप है उनको छानने में, निस्यंदन में, जैसे थर्मल इंसुलेटर यानी कि जो तापमान के लिए प्रतिरोधी कुछ चीज बनानी है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होती है, उन सबको बनाने में यूज होगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन होते हैं जैसे। तो ये समुद्र के तले में बैठ जाते हैं, फिर क्या बोले आप? समुद्र के तले में मृत होने के बाद ये समुद्र के तले में बैठ जाते हैं और जमा होते होते चट्टान का निर्माण करते हैं जिसे डायटोमिशियस अर्थ या किसेलघर कहते हैं। सर ये अब घटित नहीं होते? सिलिका के जमाव की वजह से कोशिका भित्ति ऐसी कैसी पड़ी है, समझ गए ना? आगे बढ़े, फिर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली तो जैसी कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनकी कोशिका झिल्ली बायलेयर लिपिड और प्रोटीन्स वगैरह जो है उनकी बनी हुई होती है, बिल्कुल वैसी होगी। कोशिका द्रव्य की बात करें यदि तो कोशिका द्रव्य में सेंटर में एक बड़ा सा रिक्तिका होता है। क्या होता है? रिक्तिका। इसमें लिख रहे हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होने की वजह से क्या होता है, इसका कोशिका द्रव्य जो है वो क्या हो जाता है, परिधीय हो जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होने की वजह से कोशिका द्रव्य जो है वो परिधीय हो जाता है। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका तत्व जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो उपस्थित होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उपस्थित होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स,
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऐसे अलग अलग चीजें जो हैं वो प्रस्तुत होंगी, स्टोर फूड वगैरह जो है वो सब उपस्थित होगा। तो ऐसे सबसे, लेकिन केंद्रक टर्मिनल बहुत खास बात है। क्या खास बात है? कि इनका केंद्रक जो है वो इस वैक्यूल के अंदर डूबा हुआ होता है। केंद्रक जो है वो किसके अंदर डूबा हुआ है? वैक्यूल के अंदर डूबा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एम्बेडेड इन सेंट्रल वैक्यूल, और एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होता है इस क्रोसम एंडोप्लाज्म से ये जुड़ा हुआ रहता है। किससे? न्यूक्लियस, हां सॉरी साइटोप्लाज्म से। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। इनके अंदर स्टोर फूड जो है वो होता है ग्लाइसोलैमिनेन ऑयल ग्लूकोसेन, ऐसे सब जो है वो स्टोर फूड होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचनशील रजधानी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है बोलते हैं संकुचनशील रजधानी। तो ऐसा होता है डायटम। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या डायटम जो है उसके पास प्लेथरा है क्या? तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या बताए? वो तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर या इवन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल वही है। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन जगह होता है, मेन एरिना वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, यानी सबसे ज्यादा सेल की प्रक्रियाएं जो है वो कहां पर चल रही है? वो इसी साइटोप्लाज्म में चल रही है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, वो साइटोप्लाज्म परिधि हो गया है। क्यों परिधि हो गया? क्योंकि इसके अंदर केंद्र में एक बड़ी सी केंद्रीय रिक्ति का उपस्थित है, इसलिए। समझ गए? सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर दिखाया हो सर? क्या बोले? सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर दिखाया हो? सेल मेम्ब्रेन, हाँ डायग्राम। सेल वॉल के अंदर जो एक लाइन बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ठीक अंदर वाली लाइन जो बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होता है ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक सिग्नल। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्ण कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स लाइक सर क्लोरोफिल सी नहीं होता? सॉरी क्लोरोफिल सी, डी गलत लिखा है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी इसमें नहीं होगा, क्लोरोफिल डी सीधे रेड एल्गी में आएगा। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो डाइटोसेंथेटिक, तो ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन ये याद रखना है कि इनके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। स्टोर्ड फूड क्या होता है? अभी मैंने डायग्राम में भी लिखा था, स्टोर्ड फूड जो है वो क्राइसोलैमिनेरिन ग्लूकोसिन ऑयल एसिड, ये जो है ये इनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ है। और ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है? परासरण नियमन किसके द्वारा होता है? ऑस्मोरेगुलेशन बाय सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रजधानी जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता पड़ गए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है वो ध्यान रखना है, स्टोर फूड क्या होता है वो ध्यान रखना है, और ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है वो ध्यान रखना है। सर बीटा कैरोटीनाइड है क्या? हाँ, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन सर। उसके बाद क्या है? एंड ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स लाइक डाइटोज़ैंथिन, ज़ैंथोफिल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनके अंदर डाइटोज़ैंथिन जो है वो प्रेजेंट होता है। सर ये स्टोर फूड वाला पॉइंट समझाइए। तो देखो जैसे प्लांट है, तो प्लांट के अंदर संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च। एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। यस सर।
जैसे इनके पास क्या है संचित भोज्य पदार्थ, क्राइसोलैमिनेरिन ल्यूकोसिन, ये दोनों स्टार्च, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ऑयल वगैरह भी होते हैं, तो ये संचित भोज्य पदार्थ होंगे। सर ये लास्ट वाला क्या लिखे हैं? क्या बच्चे लास्ट वाला क्या है? रेगुलेशन परासरण नियमन, यानी उनका कंसंट्रेशन रेगुलेट करना। परासरण नियमन के लिए क्या होते हैं? संकुचनशील राजधानी होती है। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स बहुत सारे होते हैं, इस ऑयल ड्रॉपलेट की वजह से ये हल्का हो जाता है और ये आसानी से तैर पाता है। ऑयल ड्रॉपलेट जो होते हैं इनके अंदर, ऑयल ड्रॉपलेट जिसमें क्या प्रदान करेंगे, इनको उत्प्लावकता प्रदान करेंगे, बयोंसी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये आसानी से फ्लोट करता रहे सतह के ऊपर, निष्क्रिय रूप से तैरता रहे। सर ये सीवी मतलब क्या होता है? सीवी को कॉन्ट्रैक्टाइल मेथियन को शॉर्ट में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मेथियन संकुचनशील राजधानी को शॉर्ट में सीवी लिखते हैं। अब इनके अंदर जनरेट की बात करते हैं। सर ऑस्मोगेशन किसके द्वारा होता है इसमें? संकुचनशील राजधानी के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टाइल मेथियन के द्वारा। अब देखो इनके अंदर जनरेट दोनों टाइप का कौन कौन सा, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों ए सेक्सुअली बाय, पहले भी पढ़ाएंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है कॉमनली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमी एंड आइसोगैमी और ओगैमी, क्या ये तीनों वर्ड का मतलब हमने पहले पढ़े क्या? यस सर। आइसोगैमी ओगैमी क्या होती है सब जान रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस टाइप से होता है। ये जो डायग्राम्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली डिप्लॉयड। सो लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड लाइफ साइकिल क्या होती है पहले पढ़ा था क्या, याद आ रहा है क्या किसी को? मेन ऑर्गेनिज्म 2N होगा, गैमेट मियोसिस से बनेगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, 2N जायगोट बनेगा, क्रोमेटोलाइसिस करके बहुत सारे क्या करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कौन से कंडीशन में होगा ये बता सकते हो? फेवरेबल या अनफेवरेबल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से कंडीशन में? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल लैंगिक जनन जो है वो कैसा, किस कंडीशन में होगा? मोस्टली प्रतिकूल परिस्थिति। फेवरेबल। सर लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट लाइन बोल रहे हैं कि दैट टर्म्स जो है मोस्टली कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2N होता है, ड्यूरेंट होता है, और इसके अंदर जीवन चक्र कैसा होता है? द्विगुणित टाइप का जीवन चक्र होता है। द्विगुणित जीवन चक्र क्या होता है? फर्स्ट 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम पे कॉपी खोलना और देख लेना यदि आज दिक्कत आ रही है। डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल में मेन ऑर्गेनिज्म 2N होता है, उसके अंदर मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं, हैप्लॉयड गैमेट, और गैमेट फ्यूज होता है तो 2N जायगोट बनता है, और 2N जायगोट से फिर वापस से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म माइटोसिस के थ्रू बनता है। इनके अंदर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। इनके अंदर जब लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन होगा तो दो टाइप का स्पोर बनता है, एक स्पोर का नाम है ऑक्सोस्पोर और दूसरा होता है स्ट्रेटोस्पोर। ऑक्सोस्पोर वो स्पोर है जो तुरंत से विभाजन कर लेता है और नए संतति का निर्माण कर लेता है, यानी इस स्पोर को हम बोलेंगे जुवेनाइल स्पोर। जुवेनाइल स्पोर है जो विभाजन करके संतति उत्पन्न करेगा, और स्ट्रेटोस्पोर जो है वो रेस्टिंग स्पोर होता है जो कि चुपचाप से पड़ा रहेगा जब तक कि इसे अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी। ऑक्सोस्पोर जुवेनाइल स्पोर है, ध्यान रखना,
कि इनके अंदर विभाजन होता रहता है और नए जीव तुरंत से बनते रहते हैं, जबकि स्टेटोस्पोर बनने के बाद काफी लंबे टाइम तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है और फिर बाद में विभाजन करके नए जीवों का निर्माण करता है। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? सर एक बार और बताइए तो इसी को। बच्चे इनके अंदर स्पोर जो है वो दो टाइप के बनते हैं, एक होता है ऑक्सोस्पोर जो कि जुवेनाइल स्पोर है, इसका मतलब वो क्विकली डिवाइड करता है और नए संतति का निर्माण करता है, जबकि स्टेटोस्पोर जो है वो रेस्टिंग स्पोर है, वो क्या करेगा, वो चुपचाप से पड़ा रहेगा रेस्टिंग स्टेज में लंबे टाइम तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं, स्टेटोस्पोर या रेस्टिंग स्पोर। क्वेश्चन आएगा कि डायटम्स में जो युग्मनज होता है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, डायटम्स के जो युग्मनज होते हैं जायगोट होते हैं उसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, समसूत्री, समसूत्री या रसूत्री, ए मियोसिस, तो बच्चे बोलो समसूत्री या रसूत्री, समसूत्री हिंदी में भी बता दो ना एक बार। मैंने पूछा कि डायटम्स में जो युग्मनज होता है जायगोट होता है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, डिप्लोटिक एसिड जिसका भी होगा जायगोट में माइटोसिस ही होगा, मतलब समसूत्री होगा मियोसिस से होगा, अर्धसूत्री विभाजन से होगा ना सर, जायगोट में तो समसूत्री होगा ना बच्चे, सर तभी तो 2n बनेगा 2n से वापस, हां बच्चे सर जायगोट बनने के बाद होगा ना, वो तो जायगोट बनने के बाद जायगोट 2n है मुख्य ऑर्गेनिज्म भी 2n है तो माइटोसिस ही तो होगा, कंफ्यूजिंग होता है मियोसिस और माइटोसिस हम लोगों को बहुत, कौन सा खत्म। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को शार्प रखा करो, क्विकली आंसर करो, क्विकली सोचो, लेजी मत बनो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायनोजेनेटिक्स की, डायनोजेनेटिक्स जो है इसका क्लास, इसका डिवीजन सबसे पहले, डिवीजन का नाम अभी बताया था, बताओ बताओ, पायरोफाइटा, डिवीजन में फाइटर होता है पायरोफाइटा, क्लास में कौन सा सफिक्स लगता है, ठीक है, और ये जो डायनोफ्लेजेलेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज आर्मर्ड एलगी, कवच युक्त शैवाल बोल देते हैं या कवच युक्त प्रोटिस्ट बोल देते हैं, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर बहुत मोटी कोशिका भित्ति जो है उसके प्लेट्स लगे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, आर्मर्ड एल्गी बोल देते हैं, इनका रंग काफी ज्यादा वैरी करता है, ये गोल्डन ब्राउन हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, ये रेड कलर के हो सकते हैं, ग्रीन टाइप के हो सकते हैं,
तो इनका कलर बहुत ज्यादा वेरी करता है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं पिगमेंट के अकॉर्डिंग, और इनके ऊपर क्या होता है प्लेट्स होती हैं सेल वॉल की, इसीलिए हम इसे आर्मर्ड एल्गी बोल देते हैं। समझने की बात करें यदि तो डायनोफ्लेजेलेट्स जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है इनकी सेल वॉल पे ऐसे प्लेट्स बने होते हैं, थिक प्लेट्स जिसे बोलते हैं थीका या लोरिका। जो डिजाइन दिख रही है ऑर्नामेंटेशन जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके ऊपर नक्काशी की हुई है, किसी ने इसके ऊपर डिजाइन बनाया हुआ है। ये डिजाइन किसकी बनी है? ये प्लेट है थीका। थीका क्या है? सेलुलोजिक प्लेट्स। सेलुलोज वो बहुत सारे मोटे मोटे सेलुलोजिक प्लेट्स का बना हुआ है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं थीका। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर दो ग्रुप या खांच दिख रही है, दिख रहा है क्या खांच? एक ये वाला ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ खांच, ट्रांसवर्स ग्रुप, और ट्रांसवर्स ग्रुप के अलग अलग नाम है। ट्रांसवर्स ग्रुप जो है उसे एन्यूलस या सिंगुलम भी बोलते हैं, एन्यूलस या सिंगुलम। ट्रांसवर्स ग्रुप अनुप्रस्थ खांच उसे हम एन्यूलस या सिंगुलम बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है इसे बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप या सल्कस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप को सल्कस। इसके अंदर दो प्रकार के खांच क्या क्या पता पड़ रहा है, पता पड़ रहा है कि डायनोफ्लेजेलेट जो है उसके ऊपर कुछ सेलुलोज की मोटी प्लेट्स जो है वो लगी रहती हैं, और वो भी इस तरीके से लगी हुई है जैसे कि कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, कुछ नक्काशी की हुई है ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इन प्लेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, थीका। थीका या फिर एक और भी नाम है इसका लोरी, थीका या लोरी, ऐसे सेलुलोजिक प्लेट है। ठीक है, और इन प्लेट के ऊपर दो खांच दिख रहे हैं, एक अनुप्रस्थ खांच है और एक अनुदैर्ध्य खांच है। अनुप्रस्थ खांच को एन्यूलस या सिंगुलम बोल देते हैं और अनुदैर्ध्य खांच को सल्कस बोल देते हैं। डायनोफ्लेजेलेट क्या फ्लैजेला उपस्थित होगी? डायनोफ्लेजेलेट में फ्लैजेला उपस्थित होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी ना, होगी, दो होगी, दो दो फ्लैजेला होती है, एक फ्लैजेला होती है अनुप्रस्थ एलएसओटीएस, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो है वो चपटी और रिबन के समान होती है, फ्लैट रिबन लाइक फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स वाला। ये जो फ्लैजेला दिखा तुमको ये क्या है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला है। हमने बात की ट्रांसवर्स फ्लैजेला कैसा है, ये है फ्लैट रिबन है, रिबन के समान चपटा रिबन के समान ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है, और दूसरा जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कस के अंदर या सर्कस के अंदर उपस्थित है वो कैसा होता है, वो पतला और धागे समान तंतुमय है। दूसरा कैसा है, पतला और तंतुमय है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, ठीक है, और ये दोनों फ्लैजेला की वजह से, इन दोनों की वजह से इसकी जो गति होती है उसे हम बोल देते हैं वर्लिंग मूवमेंट। वर्लिंग मूवमेंट क्या होता है, एक फ्लैजेला जब मूव कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक फ्लैजेला जब मूव करेगा ऐसे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और दूसरा फ्लैजेला जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, तो ये ऐसे घूम घूम के ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से। तो जैसे शक्तिमान को जानते हो क्या? यस सर, तो ये शक्तिमान ही है, गति करने के मामले में शक्तिमान, बिल्कुल शक्तिमान की तरह घूम घूम के गति करता है, और ऐसे मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोमेंट को हम बोलते हैं वर्लिंग मोमेंट। तो दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य फ्लैजेला की वजह से इसकी गति कैसी होती है, वर्लिंग मोमेंट होती है।
क्या स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात समझ में आई कि सेल वॉल जो है वो थिक सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है जिसे हम थीका या लोलिका बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य खांच होता है इसके अंदर जिसे हम एनुलस सॉरी अनुप्रस्थ खांच होता है जिसे हम एनुलस या सिंगुलम बोलते हैं, उसके अंदर चपटा रिबन के समान ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है। अनुदैर्ध्य खांच जो होती है उसे सल्कस बोलते हैं, इसके अंदर पतला धागे समान, ये तो फ्लैट रिबन लाइक था और ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला कैसा है थिन स्लेंडर यानी पतला धागे नुमा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होता है, और इन दोनों की मदद से यह गोल गोल घूम करके मूवमेंट करता है जिसे हम बोल देते हैं वर्टलिंग मूवमेंट। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी, ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। देन इसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल वैसे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे, और यहां पर कैरोटीन्स में ज्यादातर होते हैं अल्फा कैरोटीन, वहां तो ज्यादा बीटा कैरोटीन था, यहाँ पे ज्यादा अल्फा कैरोटीन होता है। एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स के अंदर जो कॉमन टाइप है यहाँ पर उसका नाम है पेरिडिलिन, पेरिडिलिन होते हैं, और इनका रंग जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कोई रेड हो सकते हैं, कोई ग्रीन हो सकते हैं, कोई ब्लू हो सकते हैं, कोई ऑरेंज हो सकते हैं, अलग अलग कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो होते हैं। ठीक है, देन इनके अंदर भी जब प्रकाश संश्लेषण हुआ भोजन का, तो भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टोर फूड इज प्लांट की तरह स्टार्च एंड ऑयल, स्टोर फूड जो है वो क्या होता है? वो स्टार्च एंड ऑयल होता है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वेस्क्यूल नहीं होती है। तो फिर ऑस्मोरेगुलेशन कौन करता है? ऑस्मोरेगुलेशन बाय नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब परासरण, परासरण मेंबर किस होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के थ्रू होता है। देन इसके अंदर जनन की बात करते हैं, तो जनन कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ पढ़ाई तुमने कौन सा वाला? ऑब्लिक बाइनरी पढ़ाई क्या? तिर्यक द्विविखंडन, ऑब्लिक बाइनरी फिशन जो है वो होता है तिर्यक द्विविखंडन जो है वो देखने को मिलता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, देन इसके बाद में लैंगिक जनन की जो हम बात करेंगे, तो इनके अंदर लैंगिक जनन अगेन आइसोगैमी अनआइसोगैमी उगैमी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमी अनआइसोगैमी उगैमी। अब यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एटम्स मोस्टली कैसे थे? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, डायटम्स डायटम्स कैसे थे? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, ये मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं मोस्टली। डायनोफ्लैजेलेट मोस्टली कैसे होंगे? अगुणित होंगे। यदि ये अगुणित है तो अच्छा इसका अपवादी इसके अंदर नॉक्टिल्यूल का जो है एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, नॉक्टिल्यूल का नाम का एक डायनोफ्लैजेलेट है वो अपवाद है। क्या अपवाद है? नॉक्टिल्यूल का जो है वो डिप्लॉयड होता है। अच्छा अब मुख्य ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है तो इसका लाइफ साइकिल कैसा होना चाहिए? हैप्लॉन्टिक की डिप्लॉन्टिक बता दो जल्दी से। हैप्लॉन्टिक मोस्टली हैप्लॉन्टिक। तो तुम्हें पूछेगा कि बताओ नॉक्टिल्यूल का लाइफ कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक की डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक होगा।
यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इनके अंदर जायगोट में कौन सा डिवीजन होता है माइटोसिस की मियोसिस माइटोसिस मियोसिस जायगोटिक मियोसिस मियोसिस बिल्कुल सही बात है प्रत्येक लाइफ साइकिल में क्या होता है मियोसिस होता है अब लाइफ साइकिल हमने डिटेल में पढ़ी हुई है अप्लाई करना आना चाहिए एग्जाम में तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे साथ रहेगा मैं नहीं रहूंगा तो अपने दिमाग को धार चढ़ाओ क्वेश्चन आ रहा है सामने तो दिमाग तेजी से सोचना चाहिए यदि नहीं सोच पा रहे हो आज ही घर पे जाना लाइफ साइकिल वाला एक बार उठाना जो भी मैंने डायग्राम बनाया था और उसको देखना कि डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में क्या डायग्राम बनाया है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में क्या डायग्राम बनाया है तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि कहां पर क्या होता है ठीक है इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है नॉक्टिल्यूका इस नॉक्टिल्यूका के बारे में खास बात देखो नॉक्टिल्यूका इसको बोल देते हैं नाइट लाइट या फिर सी गोस्ट नाइट लाइट रात्रि का प्रकाश या समुद्री भूत बोल देते हैं इसको सी गोस्ट बोल देते हैं क्यों बोल रहे हैं नॉक्टिल्यूका जो है वो रात को चमकता है कोई एक मूवी का गाना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मूवी का गाना है उसके अंदर हीरोइन जो है वो अंधेरे में समुद्र के किनारे होती है और समुद्र का किनारा जो है वो ब्लू कलर टाइप का चमकता रहता है देखा तुमने नहीं लग रहा है हाँ सर बहुत सारे वीडियोस में देखा है हाँ सॉन्ग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा मोआना बच्चे मोआना क्या होते हैं मोआना तो कुछ जादुई शक्ति होती है वो तो उतना तो नहीं बोलूंगा वो तो मछली होती है चमकती रहती है लेकिन तो एक गाना है अपने हिंदी उसमें समुद्री भूत बोल देते हैं हम इसे ठीक है और इसके अंदर क्या हो रहा है जैव प्रदीप्ति हो रही है क्या शो कर रहा है शो बायोल्यूमिनेसेंस जैव प्रदीप्ति की घटना जो है वो प्रदर्शित कर रहा है इसके अंदर ल्यूसिफेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो चमकता है क्या तुम अच्छा चलो नॉक्टिल्यूका तो नहीं देखा होगा तुमने लेकिन जुगनू तो सबने देखा है यस 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 कैसे चमकता है उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं ल्यूसिफेरिन वगैरह होता है जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो लाइट उत्पन्न करता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति बोलते हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर फायर एलर्जी इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं फायर एलर्जी सर इसको हिंदी में क्या बोले इसको हिंदी में बोलोगे रात्रि का प्रकाश समुद्री भूत या फायर एलर्जी तो ये जो मतलब फायर एलर्जी जलने वाला शवर तो इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस वाली प्रॉपर्टी है जैव प्रदीप्ति वाली प्रॉपर्टी होती है सर सर इसका एग्जांपल ये एक ही है कि और भी है और भी है बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका जिम्नोडिनियम और कॉर्नियम इससे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दोनों सर जैव क्या बोले सुना नहीं दिया इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूर्दीप्ति हां जिम्नोडिनियम क्या बोले कोई बताओगे क्या स्फूर्दीप्ति आगे जिनके वजह से समुद्र के अंदर रेड टाइड का फॉर्मेशन होता है फॉर्म्स रेड टाइड अभी रेड टाइड जो बहुत सारे जिम्नोडिनियम और गोनियम समुद्र की सतह पर ज्वार के रूप में उपस्थित है मतलब बहुत सारे ऐसे हैं ये क्या करते हैं ये एक टॉक्सिन बनाते हैं हिम्नोडिनियम गोलेलस फॉर्म्स रेड टाइड सीक्रेट्स अ टॉक्सिन और वो टॉक्सिन जो है उसका नाम क्या है बोले क्या सर हिम्नोडिनियम और गोलेलस जो है वो रेड टाइड लाल ज्वार का निर्माण करते हैं इस ज्वार में क्या करते हैं वो एक टॉक्सिन विषैले पदार्थ का स्त्राव करते हैं वो विषैला पदार्थ क्या है नॉन एज
बता सकते हो? पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजन, पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजन बनाते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है सेक्सी टॉक्सिन, क्या बनाते हैं? सेक्सी टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। और ये कैसा होता है? ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, यदि किसी ने एक बार खा लिया तो पैरालिसिस हो जाएगा, हिलडुल भी नहीं पाएगा वो, ऐसा खतरनाक टॉक्सिन होता है। कौन सा? सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, तो ध्यान रखना जिम्नोडिनियम गोनियोलॉक्स तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो रेड टाइप बनाते हैं और टॉक्सिन बनाते हैं, उस टॉक्सिन का नाम क्या है? पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजन पीएसपी, या फिर सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन ध्यान से लिखना बच्चे, इसका यूज मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो तुम्हें ध्यान रखनी है। किसके बारे में? डायनोफेलिक्स के बारे में। नेक्स्ट देखो यूग्लियोनाइड और यूग्लियोनाइड के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आज घर पे जाना और दोनों को कंपेयर करते हुए, डायटम और डायनोफेलिक्स को कंपेयर करते हुए चार्ट बना लेना, एक साथ डायटम एक साइड में, या तीन लाइन बनाना डायटम्स डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड वाला भी खाली छोड़ देना, डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट जो है उसे उसे कंपेयर करके पढ़ लेना कि दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों के सेल लेवल को क्या बोल रहे हैं, दोनों के अंदर कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, कौन सा संचित भोज्य पदार्थ है, कैसे ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा है, लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लोन्टिक या प्लोन्टिक, ये कंपेयर करके और एग्जाम्पल लिख लेना तो तुम्हें इजिली ध्यान भी रहेगा। ठीक है सर, आज इतना फास्ट क्यों पढ़ाया? हाँ सर, आज बहुत फास्ट पढ़ाया, जल्दी करनी है सर। सर आप इंग्लिश लिखते और हिंदी को बहुत फास्ट लिखते हो, धीरे धीरे चल रही थी, आज फास्ट हो गया, जल्दी करनी है सर। इसलिए मतलब हिंदी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, मतलब इसमें कोई हिंदी का दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी के टर्म ज्यादा है नहीं, ज्यादातर टर्म्स है वो इंग्लिश के ही है, यानी जिम्नोडिनियम गोनियोलॉक्स सर, मतलब अब पढ़ाते उस टाइम तो ठीक है, हम लोग को समझ में आता है, लिख भी लेते पूरा इंग्लिश, लेकिन फिर से रिवीजन करते टाइम कहीं पे भूल जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो, कोई भी किताब पढ़ोगे ना, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मेन चीज जो है ना वो समझ में आना है, लैंग्वेज बड़ी बात नहीं है, समझ में आना। तुमको ये पता पड़ गया ना कि जब भी डायटम पढ़ना है तो हमें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, डायग्राम से रिलेटेड देखना है पहले कि सेल वॉल कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से फ्लैजेला है, फिर हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, स्टोर फूड कौन सा होता है, ऑस्मोरेगुलेशन कौन सा होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है, फिर इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉक्टिल्यूका है, जिम्नोडिनियम गोनियोलॉक्स होते हैं, तो दो तीन एग्जाम्पल और उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतनी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, यदि तुमने पढ़ लिया तो एग्जाम तक चलेगा, इतना इतना सिस्टमेटिक तरीके से तुम पढ़ो। बट हाँ, रिविजन करोगे घर पे जाके तो ही पढ़ लिया, किताब आपने बंद कर दी और देख भी नहीं रहे हो, अब एग्जाम में देखेंगे तो तब नहीं होगा, तब भूल जाओगे। सर डायनोफ्लेजेंट एग्जाम्पल पैरोडियम भी है क्या? पैरोडियम और पैरोसिस्टिमम ऐसा कुछ है। हाँ पैरोसिस्टिमम होता है, हाँ है, हाँ ठीक है बच्चे, होते हैं ये एग्जाम्पल्स। सर एनसीईआरटी में गोनियोलॉक्स बस दिया है, गोनियोलॉक्स दिया है, बस और कुछ नहीं दिए, और कुछ नहीं दिया है। तीन ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, तीन मैंने यहाँ पे लिखे थे, नॉक्टिल्यूका इम्पोर्टेंट है, जिम्नोडिनियम इम्पोर्टेंट है और गोनियोलॉक्स, तीन ही इम्पोर्टेंट। सर ये तीनों जो आप बोले ना, जिम्नोडियम नॉक्टिल्यूका और तो ये तीनों, मतलब दो तो नहीं दिया, दो डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन लेकिन ये तीन तुमको याद रखना, जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना उतना तुमको ध्यान रखना है, बस एक क्वेश्चन। ओके सर, उतना नहीं छोड़ना है ना, ठीक है चलो अच्छे से पढ़ेगा ना, ठीक है कल मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सर। बाय बाय सर। ओह।